नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नोकिया की तरफ से आने वाला बहुत ही खास प्रोडक्ट जो कि है नोकिया 105 प्लस। ये एंट्री लेवल फीचर फोन की श्रेणी में बहुत ही दमदार उपस्थिति के कारण बहुत जाना जाता है। नोकिया ने कुछ ही समय पहले एक फीचर फोन लॉन्च किया था जिसका नाम था नोकिया 105, जो इसका छोटा भाई कहा जा सकता है। उसकी सारी फैसिलिटी को ऐड करते हुए इसमें कुछ फैसिलिटीज़ को जोड़ के एक नया फीचर फोन इन्होंने लॉन्च किया है जो कि ये है नोकिया 105 प्लस। आज के इस वीडियो में हम आपको नोकिया 105 और नोकिया 105 प्लस दोनों के ही बारे में बताएंगे, जिससे कि आप यह समझ सकें कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा फ़ोन ज़्यादा सही है। अगर आप घर के किसी बुजुर्ग के लिए नया फीचर फ़ोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये फ़ोन्स आपके लिए सही साबित हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी कीमत और फीचर्स। नोकिया 105 2022, जो कि इसका छोटा भाई है जैसा मैंने पहले बताया ही है, नोकिया 105 प्लस दोनों की कीमत 1300 रुपये के आसपास मिलती है। इन दोनों फ़ोन्स को ड्यूरेबल कहा जा रहा है। ये स्क्रैच रेजिस्टेंस के साथ आते हैं, ये वायरलेस FM स्ट्रीमिंग सपोर्ट के साथ आते हैं और लंबी समय तक चलने वाली बैटरी से लैस है। अगर आप घर के किसी बुजुर्ग के लिए नया फीचर फ़ोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये दोनों ही फ़ोन आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकते हैं। तो चलिए इसकी फ़ीचर्स के बारे में हम आगे बताते हैं। नोकिया 105 जो है वो चारकोल और ब्लू कलर में आता है, इसकी कीमत 1300 रुपये के आसपास होती है। वहीं नोकिया 105 प्लस की कीमत 1399 रुपये के आसपास है। इसे चारकोल और रेड कलर में ख़रीदा जा सकेगा। ये दोनों फीचर फ़ोन कई प्रमुख रिटेल स्टोर्स, ई कॉमर्स साइट और नोकिया साइट के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध मिलते हैं। साथ ही कंपनी इन फ़ोन पर एक साल की रिप्लेसमेंट गारंटी भी दे रही है। बॉक्स कंटेंट में आपको सबसे ऊपर ही फ़ोन मिल जाता है, फिर एक चार्जर, एक बैटरी और एक यूजर मैनुअल आपको इसमें देखने को मिलता है। चार्जर की रेटिंग की बात करें तो इनपुट वोल्टेज 180 से 240 वोल्ट 50-60 हर्ट्स और इसकी आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो DC 5 वोल्ट आउटपुट को यह सपोर्ट करता है। यह मेड इन इंडिया फ़ोन है और बॉक्स पर इसकी MRP 1699 मेंशन की गई है। फ़ोन की बैटरी BLL5E 1000 mAh की है, 3.7 वोल्ट एंड 3.7 वॉट आवर की इसमें बैटरी दी गई है। यह रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी है जो कि मेड इन इंडिया है। फ़ोन देखने में काफ़ी बेहतरीन है, पकड़ने में काफ़ी हैंडी है और वजन में भी काफ़ी कम है। इसके नीचे साइड इसमें 3.5 mm का जैक दिया गया है और माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। फ़ोन में ऊपर की साइड आपको इसमें टॉर्च मिल जाती है जो कि काफ़ी ब्राइट है, जो कि इसके मेन जो कंट्रोल की है बीच वाली उसमें ऊपर वाले बटन को यानी कि अप बटन को थोड़ी देर तक यानी कि 2 सेकंड तक प्रेस करने पर ऑन हो जाती है और उसी तरीके से ऑफ भी हो जाती है। बैक पैनल ग्लॉसी फिनिश के साथ नहीं आता है और इस पर पीछे साइड एनग्रेविंग में नोकिया की ब्रांडिंग दी गई है। फ़ोन के बैक पैनल को रिमूव करने के बाद आपको बैटरी कंपार्टमेंट में एक सिम कार्ड स्लॉट जो कि फुल साइज का सिम इसमें लगता है और एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है। फ़ोन को ऑन करने पर यह नोकिया की वही लेजेंडरी टोन से आपका वेलकम करता है और यह काफ़ी सारी इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी लैंग्वेज इसमें से चूज़ कर सकते हैं। वैसे तो फ़ोन में खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, लेकिन इस खूबियों के साथ साथ एक कमी जो हमें महसूस हुई, वो मे बी पॉसिबल सभी के लिए कमी ना हो, जो उस फीचर को यूज करता हो उसके लिए वो भी खूबी हो सकती है, जो कि है इसका राइट बटन। राइट बटन जो है वो रेडियो को ऑन करने के लिए दिया गया है डायरेक्टली, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि लेफ़्ट बटन में कुछ गो टू सेटिंग्स में आप अपनी सुविधा के अनुसार फीचर्स रख सकते हैं, लेकिन राइट बटन में आप यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसमें केवल रेडियो ही रहेगा। अगर कोई कैंडिडेट रेडियो को फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करता है तो उसके लिए एक सिरदर्द हो सकता है। मे बी पॉसिबल यह आपको खूबी लगे क्योंकि आप रेडियो यूज करें, किसी किसी के लिए वो उसकी कमी हो सकती है। बाद बाकी इस फ़ोन में हमें कोई भी कमी नहीं महसूस हुई इतने दिनों चलाने के बाद भी, क्योंकि इसमें गेम्स कूट कूट कर भरे गए हैं, इसीलिए फीचर फ़ोन होने के बाद भी यह फ़ोन आपके मनोरंजन में कोई भी कमी नहीं होने देगा। इन 2G फीचर फ़ोन में 1.77 इंच की स्क्रीन दी गई है। यह एस
30 प्लस यानी कि सिम्बायन 30 प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। इनमें चार्जिंग के लिए एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट और एक 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक दिया गया है। ये नोकिया फ़ोन वायरलेस एफएम स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करते हैं। नोकिया 105 और 105 प्लस में दमदार बैटरी दी गई है जो लंबे समय तक एक आपका साथ निभा सकती है। बैटरी को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह 12 घंटे तक का टॉक टाइम और 18 दिनों तक का स्टैंडबाई टाइम प्रदान करती है। इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे का समय लगता है। मेमोरी की बात करें तो यूजर्स इन फोन्स में 2000 कॉन्टैक्ट और 500 SMS मैसेजेस को स्टोर किया जा सकता है। इसमें एक बिल्ट इन टॉर्च है। इसमें क्लासिक गेम्स के साथ साथ कई गेम्स प्रीलोडेड हैं। नोकिया 105 प्लस 32 GB तक के मेमोरी कार्ड को सपोर्ट करता है। इसमें MP3 प्लेयर है और एक ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग फीचर भी दिया गया है। हालांकि ये वायरलेस FM को सपोर्ट तो करता है लेकिन बेटर रिसेप्शन के लिए आपको उसका ईयरफोन लगाना रिकमेंडेड है। वीडियो में दिखाया जा रहा फ़ोन नोकिया 105 प्लस है जिसे कि हमने ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन से ख़रीदा है। यह 1324 रुपये में हमें प्राप्त हुआ है। यह फ़ोन चारकोल कलर में लिया गया है और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम बताएं तो 4 MB रैम के साथ आता है, यानी कि इसके टोटल जो मेमोरी है वो बिना कार्ड के 4 MB है। इसकी डिस्प्ले जैसा मैं बता ही चुका हूँ 1.77 इंच या 4.5 सेंटीमीटर की है। 116 PPI की TFT डिस्प्ले इसमें यूज की गई है। वीडियो में दिखाया गया फ़ोन चारकोल कलर का है और यह सिंगल सिम सपोर्ट करता है। हालांकि इसमें डुअल सिम सपोर्ट का भी फ़ोन आपको मिल जाएगा, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे ले सकते हैं। नोकिया का यह फ़ोन एंट्री लेवल फीचर फ़ोन की सीरीज में अपनी दमदार उपस्थिति के कारण जाना जाता है। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने नोकिया 105 प्लस के बारे में जाना। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस फ़ोन में सबसे अच्छा कौन सा गेम लगा और आप कौन सा गेम इसमें और देखना चाहेंगे जो कि आप अभी भी इसमें मिसिंग है। इस फ़ोन की क्या कमियां रहीं ये आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।